नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे आज के इस वेट वॉचर्स के सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि एक महीने के अंदर अंदर वजन घटाने के लिए दालचीनी को किस तरीके से आपके डाइट प्लान में इंक्लूड करना है। येस, आई एम श्योर आप सब लोग इस वेट लॉस जर्नी पे जितने भी टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ उनको फॉलो कर रहे हो, और आज जो दालचीनी के बारे में मैं बातें बताऊँगी उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे और आपके जो वेट लॉस के रिजल्ट्स हैं उनको और एनहांस करेंगे। मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और मैं जो टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ उनको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। क्या आप आपकी वेट लॉस जर्नी में या आज तक कभी भी आपने दालचीनी का उपयोग किया है या नहीं किया है? अगर किया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस मैंने किया है, और किस तरीके से किया है, कि आपने दालचीनी का पानी लिया है या फिर पाउडर ली है, जितने भी कई सारे तरीके होते हैं। और अगर नहीं किया है तो भी लिखिए कि दिव्या मैंने दालचीनी का उपयोग नहीं किया है और आज इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद मैं इसको ज़रूर प्रयोग में लाऊँगी। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। इससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आप सबको कि आपने हमारे जस्ट फॉर हार्ट्स के इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, बेल आइकॉन भी प्रेस किया होगा, बट आज अभी इसी वक्त इस चैनल को आपके फ्रेंड्स और आपके जान पहचान वाले लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर हो रही है वो और लोगों तक पहुँचे और उनको इसका बहुत सारा फ़ायदा मिले। दालचीनी एक ऐसा हर्ब है या ऐसी स्पाइस है जो हमारे इंडियन कुकिंग में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। बट क्या आपको ये पता है कि दालचीनी ज़्यादातर जो कुकिंग में यूज़ की जाती है वो है बेकरी प्रोडक्ट्स में। मतलब अगर हम वेस्टर्न कुकिंग स्टाइल देखें तो उसको ज़्यादातर मीठे में या फिर डेजर्ट्स में यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल कुकिंग अगर हम देखा जाए तो। यही जो दालचीनी है इसमें जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसकी वजह से हमें वेट लॉस में तो फ़ायदा होता ही है, बट और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर कोई डायबिटिक है तो उनको आपने देखा होगा वो दालचीनी का पानी या फिर दालचीनी की पाउडर लेते हैं, और वो कई सारी साइंटिफिक स्टडीज़ में भी प्रूव किया गया है कि आपको अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, आप अगर आपका डायबिटीज़ लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। किस तरीके से फ़ायदेमंद होती है? दालचीनी आपको आपका जो इंसुलिन की एक्टिविटी है उसको मॉडरेट करने में या उसको इफ़ेक्टिव करने में हेल्प करती है। जो लोग टाइप 2 डायबिटिक है, या अगर कोई मेरी महिलाएं दोस्त है या कोई फीमेल्स है जिनको पीसीओडी है और आप वेट लूज़ करना चाहते हो, तो भी आपको दालचीनी की वजह से बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज़ पीसीओडी में भी क्या होता है, पीसीओडी में भी आपकी जो इंसुलिन एक्टिविटी होती है या इंसुलिन का जो काम होता है वो थोड़ा सा अफेक्ट होता है, और अगर आप दालचीनी इंक्लूड करते हो तो आपको वेट लॉस में फ़ायदा होगा। इसके बाद सेकेंड बेनिफिट जो देखा गया है दालचीनी का वो है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब आपकी बॉडी का ओवरऑल जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करने में दालचीनी हमें हेल्प करता है। प्लस आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी दालचीनी हेल्प करता है। यस, कई सारी ऐसे स्टडीज़ है जिसमें ये प्रूव किया गया है कि अगर दालचीनी को हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में दिन में 1 से 2 स्पून अगर हमारे डेली डाइट में लेते हैं तो हमें हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा हो सकता है। मेरी खुद की प्रैक्टिस में पिछले 13-14 ईयर्स में मैंने ये देखा है कि जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनको हम कह सकते हैं कि हेडेक होता है या माइग्रेन पेन है या फिर जॉइंट का पेन है या फिर अगर कोई अर्थराइटिस है या बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उनको जब हम दालचीनी इंक्लूड करते हैं तो ये दालचीनी उन्हें वो पेन कम करने में भी हेल्प करता है। बिकॉज़ दालचीनी का बहुत इंपॉर्टेंट जो एक प्रॉपर्टी है जो है इन्फ्लेमेशन कम करना। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, सूजन होती है, स्वेलिंग होता है हमारी बॉडी के अंदर भी। वो एक जो स्वेलिंग है वो कई सारी रीजंस से आता है, मतलब जो फॉल्टी लाइफस्टाइल है या फिर इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव लोड जिसे हम कहते हैं उसकी वजह से, इंक्रीजिंग पोल्यूशन की वजह से ये इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर अगर हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है
तो भी एजिंग की प्रोसेस में इन्फ्लेमेशन होता है। अब इसको कम करने का काम दालचीनी ज़रूर करता है और इसी चीज़ का फ़ायदा आगे जाके हमें वज़न कम करने में होता है। दालचीनी आपको हेल्प करेगी वज़न कम करने में। सबसे पहला तरीका जो है वो है आपका जो एपेटाइट है या आपको जो भूख लगती है उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर आप एम्प्टी स्टमक दालचीनी कंज्यूम करते हो तो आपको आपकी भूख कम करने में बहुत फ़ायदा होगा। प्लस आपको फैट बर्निंग का जो आपका ओवरऑल प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने में दालचीनी हेल्प करेगा। अब प्लीज़ मुझे ठीक से आप सुनिए कि ये केवल कोई मैजिक हर्ब या मैजिक स्पाइस नहीं है जो आपको बस ऐसे ही वज़न कम करने में हेल्प करेगा। आपको रेगुलर डाइट, आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम हमारे जस्ट फॉर हर्ट्स के चैनल पे रेगुलर एक्सरसाइज के वीडियोस और रेगुलर डाइट टिप्स, डाइट प्लान्स इनको शेयर करते रहते हैं। एंड आई एम श्योर आप उन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो और उसके साथ साथ जो ये दालचीनी के जो यूजेस हैं उनके आप बेनिफिट्स लेने वाले हो। सो वेट लॉस में हमें एक तो एपेटाइट कम करने में हेल्प करता है और फैट बर्निंग का जो ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है उसको इम्प्रूव करने में दालचीनी हेल्प करता है। अब आप मुझे पूछोगे कि दिव्या ठीक है दालचीनी हेल्पफुल है, वेट लॉस में फ़ायदा करती है, डायबिटीज़ में करती है, बट इसको ले कैसे? सो बहुत ईजी तरीका है, तीन तरीके मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहला तरीका है कि आप दालचीनी का जो जो स्टिक होती है उसको रात भर पानी में भिगो के रख दो, सुबह उठ के उस पानी को उबाल लो और उसको छान के फिर आप पी लो। ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका है, अगर आपको वो मतलब स्टिक नहीं मिल रही है, आपको पाउडर मिल रही है, तो आप दालचीनी की पाउडर हाफ टी स्पून से लेके 1 टीस्पून तक उबले हुए पानी में डाल दो, उसको 2 से 3 मिनट और थोड़ा सा उबाल लो और छान के फिर आप ले सकते हो। और यही पाउडर जो आप पूरे दिन भर में, मान लो कि आपको ये जो दालचीनी का पानी है उसको लेने में दिक्कत हो रही है, टेस्ट नहीं पसंद आ रहा है या फिर आप नहीं ले पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप दिन भर में जो कुछ भी खाना खाते हो, जितनी भी ग्रेवीज़ बनाते हो, मान लो आपने सब्ज़ी बनाई या दाल बनाई, तो उसमें 1 स्पून आप दालचीनी आपके लिए आपकी कटोरी में 1 स्पून दालचीनी डाल के फिर आप आपका जो दालचीनी का इनटेक है उसको बढ़ा सकते हो। तीसरी चीज़ जो आप दालचीनी ले सकते हो वो है कि आप मान लो जैसे रोटी बना रहे हो, पराठे बना रहे हो, उसके आटे में इसको गूंद लिया तो आपको बिल्कुल भी इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर पता नहीं चलेगा। वैसे तो दालचीनी एक स्वीट स्पाइस है, इसका फ्लेवर बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, तो इसमें नापसंद आने वाली कोई बात नहीं है। बट ये कई सारे तरीके हैं जिनसे हम दालचीनी को हमारी डेली वेट लॉस रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब इतनी क्वांटिटी हमें लेनी ज़रूरी है वो भी आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये वेट लॉस के इफ़ेक्ट या फिर आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए दालचीनी के फ़ायदे चाहिए तो एक दिन में 1 से 2 स्पून दालचीनी आप ले सकते हो। मैं ये कहूँगी कि आप अगर स्टिक फॉर्मेट में या फिर हार्ड दालचीनी को यूज़ करते तो वो ज़्यादा सही रहेगा। उसको आप चाहिए तो पाउडर करके फिर उसके बाद यूज़ कर सकते हो, और अगर आप वैसे स्टिक यूज़ कर सकते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, राइट। अब दालचीनी का प्रयोग करने से पहले कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट किस तरीके के हो सकते हैं कि जैसे मान लो आपका रैशेस हो रहे हैं, कुछ लोगों को बॉडी में हीट हो जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, या फिर स्टमक एक होता है, या फिर अगर किसी को एस्थमा है तो भी आपको दालचीनी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्लूड नहीं करनी है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो पहले 1 से 2 दिन कोई भी चेंज करने से पहले या दालचीनी लेने से पहले 1-2 दिन आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपका ओवरऑल हेल्थ किस तरीके से है, आपको क्या स्टमक एक हो रहा है, आपको रैशेस हो रहे हैं क्या, रेडनेस हो रहा है क्या स्किन पे कहीं पे। अगर ये कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है उसके बाद फिर आप दालचीनी को आपके डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। इसी के साथ जो मुझे आपको बताना था कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इफ़ेक्टिवली वज़न घटाने के लिए दालचीनी का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो, वो पूरी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। और आई एम श्योर आप इस जानकारी को आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करोगे, और अगले हफ्ते जो मैं कुछ नए टिप्स लेके आऊँगी उनको भी सुनने के लिए आप यहाँ पर आओगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, उनको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं और हमारी टीम आपके सभी सवालों का निरसन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक थैंक यू सो मच।